नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना है, ये फ़ोन दोस्तों 2020 में आया था। तो दोस्तों क्या ये फ़ोन आपको 2021 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है, जिसमें दोस्तों इसका जो 6GB और 128GB वाला वेरियंट है वो आपको मिल रहा है 14,500 रुपये का। और अगर दोस्तों आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो ये आपको 13,500 रुपये का पड़ जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको 13,500 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी F41 लेना चाहिए या फिर नहीं आज की तारीख में? तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F41 दे देगी है, जिन्हें कि दोस्तों आप दिख रहा होगा पीछे से ही आगे से भी, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मुझे इसको यूज करते हुए दोस्तों 1 साल करीब होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एक्सपीरियंस कि ये फ़ोन आपके लिए कितना वैल्यू फॉर मनी रहेगा और ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, और दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 काफ़ी पुराना फ़ोन है, 1 साल करीब पुराना है, और दोस्तों अभी मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 साल करीब होने वाला है। तो दोस्तों आज की डेट में इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों जब मैंने इस फ़ोन को लिया था तब इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, बट अभी दोस्तों इसका 128GB वाला वेरियंट है वो आपको मिल रहा है 13,500 रुपये में। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो ये आपको 13,500 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर आ रहा है। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनको M31 चाहिए होता है जो दोस्तों अमेज़न में मिलता है, बट दोस्तों अभी वो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको M31 चाहिए तो उससे बेटर ऑप्शन है दोस्तों गैलेक्सी F41, क्योंकि दोस्तों इसके दोस्तों जो फीचर हैं सेम M31 जैसे ही हैं, बट दोस्तों इसका जो सॉफ्टवेयर है वो उससे ज़्यादा अपडेट है। तो अगर आपको M31 का वेट है तो आप उसकी जगह इसको ले लो, इसकी प्राइस दोस्तों कम है और ये दोस्तों लेटेस्ट डिवाइस भी है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि M31 जो काफ़ी पुराना फ़ोन है और F41 दोस्तों 1 साल करीब हुआ है इसको लॉन्च हुए हुए, तो आपको अगर M31 के ही खरीदने का वेट है तो आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसके कैमरे की बात करें तो इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है, 64MP का मेन कैमरा है और बाकी दोस्तों 3 कैमरा सेट दिया गया है बैक में। आप देख सकते हो ये फोटो इसी कैमरे से ली गई है। दोस्तों आप इसका कैमरा देख सकते हो, सैमसंग के कैमरे दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, बट आप कैमरा की सैंपल देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो हैं। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है, जो दोस्तों आपको एक दिन का बैटरी बैकअप काफ़ी आसानी से दे देगी, चाहे आप कितनी भी हैवी गेमिंग करते हों। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको 2 दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा। इसकी चार्जर की बात करें तो आपको 15 वाट का चार्जर मिलता है, जो करीब दोस्तों 1.5 घंटा लगाया था, 1.5-2 घंटे फुल चार्ज करने में इस फ़ोन को। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों Exynos 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपके नॉर्मल जो नॉर्मल बर्गंडे होता है दोस्तों वो आपको आसानी से इसमें दे देगा। अगर आप हैवी गेमर हो तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, वरना इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें दोस्तों आपको कोरियन गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन देखने मिलती है। इसके बैक में दोस्तों आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, और दोस्तों ये थोड़ा स्लिपरी है, बट दोस्तों सबसे अच्छी इसकी खासियत यह है कि इसका दोस्तों जो साइज है वो 6.4 इंच का, जो दोस्तों काफ़ी हैंडी है, आपको ये फ़ोन बड़ा नहीं लगेगा ना ही दोस्तों छोटा लगेगा। अब दोस्तों बात की जाए इसके डिस्प्ले की, तो इसमें दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो दोस्तों सैमसंग की खुद की डिस्प्ले है, और दोस्तों काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होती है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मुझे इसको यूज़ करते हुए करीब 8-9 महीने हो चुके हैं और मुझे इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आई। आप इसमें कोई भी गेमिंग करो या दोस्तों वीडियो देखो या कुछ भी आप काम करते हो अपना सोशल मीडिया वाला, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको सैमसंग का गैलेक्सी F41 आज की डेट में चाहिए तो आप बिना टेंशन ले सकते हो, क्योंकि सैमसंग का गैलेक्सी F41 सैमसंग का दोस्तों ये ब्रांड है वो काफ़ी नामी गामी ब्रांड है, और जिस प्राइस रेंज पर आपको दोस्तों ये मिल रहा है वो काफ़ी अच्छी प्राइस है, 13,500 रुपये। और दोस्तों आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड भी नहीं है फिर भी दोस्तों ये फ़ोन आपको 14,500 रुपये का पड़ जाएगा, जो कि मैं कहूँगा दोस्तों 14,500 रुपये में सैमसंग का आपको काफ़ी अच्छा ब्रांड मिल रहा है, सैमसंग का काफ़ी अच्छा फ़ोन आपको मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और आपसे एक बात और बोलूँगा कि अगर आप M31 लेना चाहते हो तो उससे दोस्तों काफ़ी अच्छा है F41। अगर आप M31 के चक्कर में पड़ रहे हो तो आप F41 ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही सैमसंग के ब्रांड हैं, बट F41 दोस्तों उससे लेटेस्ट फ़ोन दिया गया है सैमसंग की तरफ से। और दोनों दोस्तों अंतर से इतना है कि M31 दोस्तों आपको मिलता है अमेजन के ऊपर और F41 मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो दोस्तों अभी सेल में मिल रहा है आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।